देखने और सुनने वाली हर एक सोल को फ्री सोल ओंकार मट्टू की तरफ से नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। हम हैं जी उत्तराखंड भ्रमण में। उत्तराखंड भ्रमण यात्रा करते हुए हम आ गए हैं रामनगर के पास। अप्रॉक्सीमेटली 14 किलोमीटर है रामनगर से जिम कॉर्बेट पार्क के बिल्कुल साथ में गर्जिया देवी मंदिर। तो माँ गर्जिया का मंदिर है, तो ये मंदिर है जो उसका द्वार है मेनली। ये सारा मंदिर परिसर है। गिरिजा माता जी का ये स्थान पौराणिक है। महाभारत काल में महाराजा विराट ने यहाँ पर गिरिजा माता जी की उपासना की थी एवं कौशिक विश्वामित्र जिसे कहते हैं कौशिक ऋषि ने यहाँ पर उपासना की थी। ये स्थान प्रारंभ से ही ऋषि मुनियों महात्माओं की तपस्थली रहा है। इस स्थान की मान्यता सुंदर एवं प्राकृतिक सौंदर्य के अवलोकनार्थ्या देशी विदेशी पर्यटक भी यहाँ दर्शनों के लिए आते हैं, जहाँ सभी वर्ग के विकास कार्यों का शुभारंभ होता है। तो ये कह रहे हैं कि लक्ष्मी नारायण मंदिर भी है, 10वीं-11वीं सदी पूर्व 1000 पूर्व पुरानी कत्यूरी राजवंश जहाँ के समय ये प्रतिमा मंदिर में स्थापित है। तो ये सारा हुआ है। तो ये पुराना गर्जिया मंदिर है। तो गिरिजा देवी मंदिर समस्त संजीव एवं निर्जीव वस्तुएं शक्ति ऊर्जा के माध्यम से ही गतिमान होती हैं। श्री गिरिजा देवी मंदिर कोसी नदी के बीचों बीच एक पहाड़ी में 100 फुट ऊंचे टीले पर स्थित है। गिरिराज हिमालय की तलहटी में स्थित उत्तराखंड के प्रसिद्ध द्वार रामनगर जिला नैनीताल के ललाट पर कलकल करती कोशकी नदी को बेगवती जलधारा के मध्य से अनादिकाल में स्थित माँ गिरिजा देवी का मंदिर विलक्षण चमत्कार है। मंदिर का अनादिकाल से ही जलधारा में स्थित रहना देवीय शक्ति का ही प्रभाव माना जा रहा है। ये केवल धर्म प्रयाण जनता का ही तीर्थ स्थल है, देश विदेश के पर्यटकों का भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। सदियों से नदी के अघात निरंतर सहने के उपरांत भी ये पवित्र स्थान अपने सिर पर माता गिरिजा मंदिर को के लिए अविचल खड़ा है। जिस स्थान महाभारत कालीन माना जाता है, यहाँ पर महाराजा विराट ने माँ गिरिजा शक्ति की उपासना की। ये स्थान पर कौशिकी ऋषि द्वारा भी माँ गिरिजा की उपासना की गई, इसलिए इस नदी का नाम पुराणों में कौशिकी नदी कहा गया है, कोसी नदी। इस स्थान का कत्यूरी राजवंश 8वीं सदी पूर्व प्राचीन श्री लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति स्थापित है। यहाँ दर्शनार्थी दर्शन कर अपने को धन्य मानते हैं। रानीखेत निवासी रामकृष्ण पांड्या जी सन 1935 से इस स्थान पर आए और पूजा अर्चना इत्यादि कार्य संपन्न करने लगे। तभी से उनके पुत्र स्वर्गीय पूर्णचंद पांडे जी पुजारी के रूप में माता गिरिजा जी की सेवा सपरिवार करते आए हैं। तो ये माँ शक्ति का स्वरूप है, एक तरह से कहेंगे गिरिजा देवी मंदिर जो है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, कोसी नदी बहती है, इसको कौशिकी नदी भी कहते थे। ऋषि कौशिक ने यहाँ पे एक्चुअली तपस्या की थी। तो ये सारा नदी है जी, बिल्कुल हिमालय की जो रेंज है उसके बीच में पीछे, और ये कोसी नदी है। कोसी नदी के इधर ये मंदिर है गिरिजा देवी माता का, और ये है यहाँ पे, ये सारा लोग स्नान कर रहे हैं। पवित्र कोसी नदी के बीच में बना हुआ ये मंदिर है जो कि गिरिजा देवी माता का है, माँ शक्ति का है। तो ये नदी है सारी, बहुत सुंदर एनवायरनमेंट है। तो ये सारा नदी का दूसरा है, नदी का किनारा है, और नदी के ये किनारे पे ये देखिए नदी के बीचों बीच बना माँ गिरिजा देवी मंदिर, जो कि बहुत प्राचीन मंदिर है, माँ शक्ति का मंदिर। तो ये हम जा रहे हैं जी, इधर से रास्ता है। तो ये ऊपर मंदिर है आप देखेंगे तो ये पंडाल लगे हुए हैं, ये आप देखेंगे, और ये मंदिर है। ये पहाड़ी के ऊपर मंदिर बना हुआ है जी, बिल्कुल बीच चट्टान में। ये बिल्कुल कोसी नदी है, इधर कोसी नदी के तट पे है देवी माँ का मंदिर।
आप देखेंगे कोसी नदी के बीचों बीच बना हुआ है जी। ये ऊपर मंदिर है जी, देवी माँ का, माँ शक्ति का, गिरिजा देवी के रूप में। तो गिरिजा, गिरिजा भी कहते हैं, गिरिजा भी कहते हैं, तो अलग अलग वर्ड हैं। अगर इसके उच्चारण में कोई गलती होती है तो माफ़ करना। माँ गिरिजा देवो नमः। ये माता जी का, ये गिरिजा देवी माँ। तो ये देवी माँ के दर्शन हुए जी खुले। तो ये मेन देखेंगे आप, ये कोसी रिवर है, लोग स्नान कर रहे हैं, और ये देवी माँ का मंदिर, और उस तरफ वो लक्ष्मी नारायण मंदिर है जो पुरानी मूर्ति रखी हुई है, और नीचे एक शिव गुफा भी है, पुराना शिव मंदिर, वो देखते हैं। तो ये ऊपर आपने देखा जी गिरिजा देवी माता का मंदिर, ये प्राचीन शिव गुफा एवं भारम मंदिर है। तो ये पुराना प्राचीन शिव मंदिर, शिव गुफा। ये ऊपर गिरिजा माँ का है, ये प्राचीन मंदिर है। ये प्राचीन है जी शिव मंदिर और भैरव मंदिर है नीचे माँ गिरिजा देवी के मंदिर में। ये पुजारी जी है पांडे जी। अच्छा ठीक है जी। तो ये पुराना मंदिर है जी, जैसे आपने देखा नीचे प्राचीन शिव गुफा एवं भैरव मंदिर। तो ये माँ देवी माँ का मंदिर है ऊपर, और ये आसपास नज़ारे देखिए आप, बहुत ही सुंदर। कोशकी रिवर या कोसी रिवर कहेंगे। तो ये आपने दर्शन किए जी, पीछे आप गिरिजा देवी मंदिर देख रहे हैं। तो ये है जी माँ गिरिजा देवी मंदिर, और नीचे इधर शिवगान जी की गुफा है, और पुराना प्राचीन मंदिर है भैरव जी का, और ये कोसी रिवर है ये बहती हुई। ये भी इधर भी आप देखेंगे, ये सूर्या देखिए, अस्त हो रहा है जी सूर्या, और ये कोसी रिवर बहते हुए। ये इधर आप पहाड़ देखेंगे, और इन सब के बीच में यहाँ लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है, पुरानी मूर्ति है जो कत्यूरी किंग्स हुए हैं, कत्यूरी किंग्स के समय की, 9th century की अप्रोक्सीमेटली। और ये माँ गिरिजा देवी का मंदिर ऊपर ही, और ये कोसी नदी जी। तो ये सारा था आपने देखा जी, उधर गिरिजा माता जी का मंदिर, गिरिजा कहेंगे या गिरिजा या गिरिजिया, तो अलग अलग उच्चारण हो सकते हैं। अगर उच्चारण में कोई गलती हो तो माफ़ करना जी, तो किसी की भावना को हम ठेस नहीं पहुंचाना चाहते। शब्द उच्चारण में, नाम उच्चारण में कोई गलती हो तो माफ़ करना। तो ये लक्ष्मी नारायण मंदिर है जी, जो पुरानी मूर्ति है लक्ष्मी नारायण जी की, वो ये है जी, जो कि बहुत पुरानी मूर्ति है, कत्वेरी राजाओं के समय की। तो ये पुरानी मूर्ति है जी लक्ष्मी नारायण जी की, जो कि जो कत्वेरी किंग्स हुए हैं उनके समय में मिली थी, बहुत पुरानी। तो ये बिल्कुल गिरिजा देवी मंदिर इधर है, इसमें साथ में ये लक्ष्मी नारायण मंदिर है, और ये पुरानी आप मूर्ति देखेंगे, ये है जी लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति। तो ये आप देख रहे थे गिरिजा मंदिर रामनगर। तो चलते हैं जी अगले पड़ाव पे, उत्तराखंड भ्रमण में। हम थे रामनगर से 14 किलोमीटर,
गिरजिया टेम्पल में।